गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। हम तकरीबन शनिवार से बीमार हैं, मेरी बेटी और मैं। पहले वो बीमार पड़ गई, उसके बाद मैं बीमार हो गई। तो ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको बता रहती हूँ कि कल सुबह से लगातार बारिश हो रही थी और पूरी रात बारिश होती रही है और आज सुबह बारिश हटी है। तो काफ़ी दिन हो गए, दिव्यांका की भी छुट्टी हो गई है स्कूल से। सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। ये देख लो, अभी भी बादल हुए हैं और ये है आज का मौसम। और ये हमारी बिल्डिंग का नज़ारा। यहाँ पे कोई परिंदा भी पड़ नहीं मारता। सुनसान हवेली की तरह पड़ी हुई है बिल्डिंग, ना कुत्ता ना कुत्ते की जात। तो मेरे बीमार होने से बहुत ज़्यादा काम रुक गए हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा फीवर में हूँ अभी भी। कल तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, इतने बीमार हूँ मैं। अभी मुझे 101.2 बुखार है। चौथे दिन भी मेरा बुखार कम नहीं हुआ। दिव्यांका अभी थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा बेहतर, और वो इतनी टेंशन में है कि उसकी ऑलरेडी 3 छुट्टियां हो गई। आज की छुट्टी तो स्कूल की तरफ से मैसेज आ गया था, आज छुट्टी हो गई थी स्कूल की तरफ से। कोई था स्कूल में, कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से छुट्टी दी स्कूल वालों ने। और पिछले 2 दिन दिव्यांका ने छुट्टी की, उससे पहले सैटरडे को तो वो स्कूल गई थी और संडे को छुट्टी थी। तो वो बोल रही कि मुझे कल जाना है स्कूल, कोशिश करेगी वो सर्वाइव करने की। उसके पापा तो मना कर रहे थे कि अभी मत जाओ, सीधा मंडे को जाना, पर वो नहीं मान रही है क्योंकि उसको पढ़ाई की ज़्यादा टेंशन है। शुरू में भी 2-3 दिन लेट ही भेजा था जब स्कूल खुला था। इसके पापा बोल रहे थे बुध वीरवार को क्यों जाना है 2-3 दिन के लिए, सीधा मंडे को ही चले जाना। तो वो वाला भी काम छूट गया उसका, और होमवर्क के लिए कोई भी बच्चा हेल्प नहीं करता स्कूल में, सीधा साफ मना कर देते कि हमारी मेहनत है हम क्यों दें। और मेरी बेटी हमेशा मैं फोर्स करती हूँ कि सबकी हेल्प किया करे, पर उसकी हेल्प नहीं की है। उसने 2 बच्चों से होमवर्क मांगा और दोनों ने मना कर दिया, और ये बात अच्छी नहीं है। अगर आप एक ही क्लास में हो तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जब दिव्यांका करती है तो आप भी करो। खैर चलिए, अपनी अपनी मैंटेलिटी है, अपनी अपनी सोच है। तो मुझे जाना था चाचू जी के घर। चाची उस दिन चाचू नहीं मिले थे जब उनका पता लेने हम गए थे, और चाची की दवाई जो घुटनों की है, घुटने उनके बहुत पेन कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला था कि मेरी मम्मी ने जो दवाई मेरे को बना के दी है वो मैं आपके लिए ले आ दूँगी, तो आप उसकी मसाज करना, तो उससे घुटनों में दिक्कत जो है वो कम हो जाएगी आपकी। तो वो दवाई भी रह गई है, और ना ही मैं उनको हिम्मत कर पाई हूँ कॉल करने की, हालांकि मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया था। और जब मैं बोलती हूँ ना कि मैं इस दिन आऊँगी आपको दवाई दे जाऊँगी, उस दिन मैं ना जा पाऊँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी फील होती है कि मैंने बोला था कि मैं मंगलवार को आके ना तेल दे जाऊँगी आपको, लेकिन मैं जा नहीं पाई। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि मेरे मन में ना दिमाग में चलता रहता है फिर कि मैं बोल सकी हूँ पर कर नहीं सकी, तो अपने मन से भड़ास निकालने के लिए, ताकि मैं सोचती ना रहूँ, क्योंकि मेरे को ना कोई भी बात मन में घुस जाती है तो निकलती ही नहीं है जल्दी। तो अभी के लिए इतना ही, मैं अंदर जाती हूँ क्योंकि मुझे ठंड बहुत लग रही है। गर्म पानी की बॉटल रखी है, अभी लेट जाते हैं। पतिदेव लंच में आए थे, उन्होंने दवाई वगैरह दे दी थी। खाना मैंने खुद ही बनाया था। खाना इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर का खाना पसंद नहीं करते, और वैसे तो मना कर रहे थे कि मैं बाहर से कुछ खा लूँगा, लेकिन मैंने ही बोला था कि नहीं मैं घर पे बना दूँगी, मेरे पास कितने घंटे हैं, मैं आराम से उठूँगी और धीरे धीरे खाना बना दूँगी। तो मैंने दाल चावल ही बनाए थे, तो वो खा लिए और वो हमें दवाई वगैरह खिला के चले गए। उनके साथ ही खाना खा लिया था। सुबह की दवाई जो खाई थी हमने, वो मैंने और दिव्यांका ने बॉयल्ड एग खा लिए थे और साथ में 2-3 बिस्किट खा लिए थे अपने अपने काढ़े के साथ। जैसे मैं ब्लैक टी पीती हूँ, दिव्यांका ब्लैक टी पी रही थी आज मेरी वजह से, मेरे वाली चाय वो पी लेती है। तो हमने दोनों ने चाय के साथ अंडे खाए, बिस्किट खाए और दवाई खा के लेट गए थे हम। उसके बाद मैं 11 बजे 12 बजे उठ के, 11 बजे या 11:15 बजे मैंने दाल चावल बनाए, चावल भिगो दिए थे, दाल उबाल दी थी, फिर तड़का लगाया मैंने 12:30 बजे। पहले दाल को तड़का लगाया, फिर उसी कुकर को धो के उसमें चावल को तड़का लगाया।
तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। दुआ कीजिएगा कि दिव्यांका ठीक हो जाए, मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी एग्जिस्ट ही नहीं करती ना इस दुनिया में। बाय बाय, टेक केयर।